हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। वेलकम टू सविताज ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में इग्नू असाइनमेंट से रिलेटेड पांच इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी इग्नू असाइनमेंट्स की आपकी जर्नी में। इग्नू असाइनमेंट सभी कोर्सेज के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए कंपलसरी है, मस्ट है, क्योंकि आपके इग्नू असाइनमेंट्स के आपके 30% मार्क्स आपके थ्योरी के मार्क्स के साथ एडअप होकर आपके कंप्लीट रिजल्ट शो होता है। 30% मार्क्स आपके असाइनमेंट्स के रहते हैं और 70% मार्क्स आपके थ्योरी के रहते हैं, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पांच बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इनको आपने नोट करके रखिए, काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सबसे फर्स्ट जो है, क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड करें। इजीली अवेलेबल रहता है ignu.ac.in पे। आप क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप करें, सभी कोर्सेज के वहां पर क्वेश्चंस पेपर रहेंगे। आपने सेशन चूज करना है, सेशन का ध्यान रखना है कि आपका सेशन कौन सा है, 2022-2023 है तो यही टाइप करें आप, और इसी सेशन के आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रखना है। नंबर टू, सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपने चूज किए हैं उनके प्रिंटआउट्स आपने जरूर निकालने हैं। प्रिंटआउट्स निकाल के आपने जो भी आंसर शीट है, आपकी असाइनमेंट आंसर्स रहेंगे, उसमें आपने अटैच करना है। पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग असाइनमेंट्स में आपने अटैच जरूर करना है। विदाउट क्वेश्चन पेपर आपने आंसर्स नहीं सबमिट करना है। नंबर थ्री, असाइनमेंट्स आपकी कहाँ सबमिट होगी, आपके स्टडी सेंटर में। आपका जो भी स्टडी सेंटर है जहां आप एग्जाम परफॉर्म करते हैं, वही स्टडी सेंटर में आपने असाइनमेंट्स बाय हैंड भी आप सबमिट कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी आप सबमिट कर सकते हैं। नंबर चार, आपने जो भी असाइनमेंट्स बनाए हैं उनको एक ही फाइल में रखना है, बट अलग अलग पिनअप करना है सब्जेक्ट वाइज। जैसे मान लो बैग का आपका बैग है, आपका बीए है, तो आपके पांच सब्जेक्ट है, आठ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अलग अलग आपने पिनअप करने हैं, बट एक ही फाइल में आप उसको दे सकते हो। अलग आठ फाइल आप बनाने की आपको जरूरत नहीं है। पिनअप अलग अलग करना है, मतलब क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट पिनअप कर लिया अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, बट एक ही फाइल में रख के आप उसको सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाकर वो अलग अलग टीचर्स के पास सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और नंबर फाइव, आपने असाइनमेंट्स को बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे मिले। आपको असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे तभी आपका एग्रीगेट अच्छा बनेगा। अच्छे से स्केचेस यूज करके अच्छे से अट्रैक्टिव बनाएं, और क्वेश्चंस के आंसर भी आप बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं करना है, अननेसेसरी चीजें भी नहीं डालनी है, बट बहुत ज्यादा ब्रीफ भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने असाइनमेंट्स वर्क को करें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब एंड शेयर सविताज ट्यूटोरियल्स को जरूर करें। थैंक यू।